गांव का जो सम्मेलन है, हर गांव में विकास कार्य जो है ना जोरों पे और जल्दी करने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। और इस बोर्ड के माध्यम से गांव के अंदर हर तरह के काम होंगे, चाहे का काम है, चाहे नाली का काम है, चाहे स्कूल का काम है, चाहे पानी से संबंधित काम है, तो सभी काम होंगे। और अभी ये बोर्ड की आज जो है ना पहले दो मीटिंगें हुई हैं, आज ये तीसरी मीटिंग हुई है, पर जो बोर्ड मीटिंग होनी है वो 12 तारीख को होनी है, तो उन कई सारे प्रपोजलों के ऊपर लेके मुद्दा था, तो हमें बड़ा अच्छा लगा, इस तरह की मीटिंगें होनी चाहिए। इससे पारदर्शिता आती है। गांव के कुछ प्रस्ताव रखे थे कि जो आपने अपने गांव के अंदर विकास कराना है, जो अधिकारी थे जिन आला अधिकारियों को आपने जो प्रस्ताव दिए थे उन्होंने काम करने के मतलब उसका नाम भी नहीं आया, आपने मंत्री जी से ये डायरेक्ट क्वेश्चन करके। नहीं, ये जो है ना हमने पिछले बोर्ड मीटिंग के अंदर अपने हमने क्वेश्चन क्या हमने प्रपोजल के साथ में वहाँ पे सबमिट कराया था, और आज अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो किसी न किसी अधिकारी की गलती है, और जो है ना जिस भी अधिकारी की गलती है उसका मैं लिखित में मंत्री जी के पास में भेजूंगा, और अधिकारी को हम छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार की जो उन्होंने मिस्टेक की, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जी। सर क्या क्या आपने प्रपोजल भेजे थे? हमने अपने एक क्षेत्र का पानी का प्रपोजल भेजा था, बारात घर का प्रपोजल भेजा हुआ था, और कई जगह जो गलियों का, नालियों का, और जो अलग अलग तरह के 6 प्रपोजल थे हमारे। आगे क्या योजना रहेगी? अभी हमें बड़ा अच्छा लगा ये, तो विकास बोर्ड का जो है ना जितनी अच्छी पारदर्शिता जो माननीय मंत्री जी ने करी है ये तो होना चाहिए। मानो वो फाइलों फाइल में ही रह जाता तो पता ही नहीं चलता कि जी हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा, हमारा काम क्यों रुका हुआ है। ये हम मंत्री जी की मीटिंग में शामिल हुए और हमें मंत्री जी के सामने हमें मौका मिला अपनी बात रखने का, अपनी विधानसभा की बात रखने का, और उससे क्या है मंत्री जी को भी उससे बल मिला कि भाई हमारे जो विधायक हैं वो जागरूक हैं, और ये जागरूकता हमने मंत्री जी के सामने अपने पॉइंट रखे। मतलब मीडिया के माध्यम से आपने अपनी विधानसभा का सिरे आपने आज ले लिया कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ, अधिकारी जो चुप्पी साध रहे थे। बिल्कुल, मैं अपनी विधानसभा के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, चाहे अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ो, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़ो, चाहे किसी भी तरह से जाना पड़ो, मैं अपनी विधानसभा में बराबर विकास करा के रहूंगा। और मेरा बहुत बहुत जो है ना मंत्री जी के उससे जो है ना विश्वास है कि हमारे हर काम जो है ना पीछे नहीं रहेंगे।